धर्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन धर्म आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताता है जिनसे आपको नुकसान होता है। आज हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर के सामने कोई पेड़ या खंभा लगा है तो इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। और अगर आप पेड़ या खंभा हटा नहीं सकते हैं तो घर के मेन गेट पर हर रोज स्वस्तिक बनाएं और उसका पूजन अर्चन करें ताकि आपके घर में इसका कोई प्रभाव ना पड़े। साथ ही अगर आपके घर में कांटेदार या फिर सूखे पौधे लगे हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा दीजिए। अगर घर के मेन गेट के सामने गंदा पानी, कीचड़ या गंदगी इकट्ठा हो जाती है तो तुरंत इस गड्ढे को भर दें, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये धर्म और विज्ञान दोनों ही दृष्टि से लाभदायक चीज़ है। और अगर आपकी रसोई आग्नेय कोण में स्थित नहीं है तो आपके परिजन अक्सर बीमार रहते होंगे, तो अपनी रसोई को अगर हो सके तो आग्नेय कोण में स्थापित करें। तो ये थे कुछ उपाय जो अगर आपके घर के सामने कोई पेड़ या खंभा है तो आप उसे लेकर स्वस्तिक का उपाय कर सकते हैं, सूखे पौधों को घर से हटा दें और गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, साथ ही अपने रसोई घर की दिशा का ध्यान रखें। इनसे आप अपने घर में होने वाली नकारात्मक चीजों को दूर रख सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।